यहाँ पे सेक्टर 22 और 23 में कांग्रेस की पूरी लहर है। वो इसलिए है कि सेक्टर 22 और 23 में ज़्यादातर एम्प्लॉयज तबका रहता है जी। 16,500 वोट में से 10,000-11,000 वोट एम्प्लॉयज के जी, और एम्प्लॉयज सारा बीजेपी से दुखी है। रही बात यहाँ की साफ सफाई की, जो ब्यूटीफुल सिटी कहा जाता था चंडीगढ़ को, आज सफाई के मामले में 66वें रैंक पे आया है। यह किसी से छिपाने की बात नहीं, सरकारी आंकड़े हैं। अब जब कांग्रेस के टाइम पे एक या दो नंबर पे ब्यूटीफुल के नाम से आता था, सफाई रैंक आता था, आज 66वें नंबर पे, बहुत सोचने का, एक मंथन करने का फैसला है। दूसरी बात, अगर यहाँ की वार्ड की बात करें तो यहाँ पे मौजूदा जो मेयर हैं चंडीगढ़ के, रविकांत शर्मा जी, वो यहाँ के पार्षद हैं। लोगों ने उनको काम करवाने के लिए जिता करके भेजा था। आप यहाँ पे किसी भी पार्क में चले जाओ, झूले टूटे हुए हैं, ओपन एयर जिम जो बनाए हुए थे वो टूटे हुए हैं, और किसी भी पार्क में सफाई की व्यवस्था नहीं है। जब एक मेयर अपने वार्ड से सफाई नहीं करवा सकता तो बाकी काउंसलरों का क्या हाल होगा, वो आप सोच सकते हैं। पानी के जो बिल हैं, वो जिस गरीब का 500 रुपये आता था, वो 1500 आज उसको देना पड़ रहा है। 3-3 गुणे पानी के रेट बढ़ा लिए, जो रोज मुर्दाबाद नगर निगम के सामने। ये तो सारे मुद्दे हो गए ना जी। अभी फिलहाल आपकी तैयारियां कैसी हैं? अब जैसे पार्टी में ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग नाराज़ हैं आपको टिकट दिए जाने से, और तो उन सब चुनौतियों का कैसे आप सामना कर रहे हैं? देखिए, टिकट दिए जाने पर लोग कोई नाराज नहीं है। एक दो जो कैंडिडेट हैं, 6 कैंडिडेट यहाँ से थे जिन्होंने आवेदन कर रखा था यहाँ की टिकट के लिए, उसमें से अजय जोशी जी है, विक्रम चोपड़ा जी है, 3-4 साथियों से तो हमारी बात हो ली, वो साथ चलने के लिए तैयार है। ठीक है, एक दो साथी है जो वो एक दो दिन में मान जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि देखिए, एक बार जिसकी टिकट चली जाती है तो थोड़ा सा पार्टी के प्रति थोड़ा रोष होता है, लेकिन हम उनको कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, रविकांत जी के बारे में तो आपने कहा कि चूंकि लोगों में उनकी लोकप्रियता कम हो रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट भी यहाँ पर होगा, तो आपको क्या लगता है मुकाबला आपका ज़्यादा बीजेपी के साथ होगा, आम आदमी पार्टी के साथ होगा? हमारा मुकाबला उससे होगा जो दूसरे नंबर पर आएगा, इनमें से, दोनों में से। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक स्लोगन दिया है चंडीगढ़ के अंदर कि चंडीगढ़ में भी केजरीवाल। अब केजरीवाल तो सीएम है, वो यहाँ पे ना मेयर बन सकते ना पार्षद बन सकते, तो केजरीवाल में जो चंडीगढ़ में कैसे हो सकते हैं। दूसरा, कि लोगों के सामने जो झूठे वायदे करते हैं कि हम बिजली फ्री कर देंगे, अब ये जो चुनाव है तो नगर निगम का है, नगर निगम के अंडर में बिजली आती ही नहीं, वो तो प्रशासन के अंडर में आती है। इनके अंडर में पानी आता है, नगर निगम के अंडर में पानी का ऑलरेडी 3-3 गुना ये रेट बढ़ा चुके हैं, फिर कहते हैं कि पानी सस्ता करेंगे। अब तो ये वो बात होगी ना कि पेट्रोल 104 कर दिया और 10 रुपये बढ़ा करके 5 रुपये वापस कर लिया कि ठीक है जी, घटका जी। लोग शिक्षित हो चुके हैं, इन बातों में आने वाले नहीं, आने वाले समय में जी तोड़ जवाब देंगे इनको। लोग इन चीज़ों को भूले नहीं है कि जो देखो, हमारे बहुत सारे किसान परिवारों से जुड़े हुए लोग हैं, 700 से ज़्यादा किसानों की बलि बीजेपी सरकार ने ली है, सैकड़ों लोगों के सरों पे टायर चढ़ाए हैं गाड़ियों के, किसानों को आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, कील गाड़ियाँ पानी के बोछारे गाड़, बहुत कुछ किया उनके साथ, और वो लोग भूलने वाले नहीं है उन चीज़ों। अगर एक वादा आपसे हम पूछें कि आप अपने वार्ड वासियों से करना चाहेंगे इस मौके के ऊपर, अगर आप जीतते हैं तो वो उस वादे को आप निभाना चाहेंगे, कौन सा वो वादा होगा? देखिए, पब्लिक ने अगर मौका दिया वार्ड वासियों ने, तो एक तीर से दो निशाने होंगे, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का सेक्टर है। एम्प्लॉयज़ की लड़ाई तो मैं ऑलरेडी कई सालों से लड़ ही रहा हूँ, आगे भी लड़ता रहूँगा। रही बात यहाँ की साफ सफाई की, यहाँ पे क्या लोकल काम क्या होते हैं, विकास कार्य है, साफ़ सफाई की व्यवस्था होती है, स्ट्रीट लाइटें होती है, सड़कें होती हैं, पार्कों की साफ़ सफाई होती है, ये होती है जी, मेंटेनेंस होती है जी, तो इनके हम ऑलरेडी करेंगे, क्योंकि प्रशासन पे हमारी पहले ही ऑलरेडी पकड़ है। हम इंटक के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से 3.5 साल से हैं जी, तो पार्षद जैसा तो हम पहले ही काम कर रहे हैं, तो आज ही हमारी जो लड़ाई है ये पार्षद की नहीं, ये लड़ाई हम मेयर की लड़ाई लड़ रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू।
ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।